शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय कपास संघ CAI ने मुख्य रूप से तेलंगाना में अपेक्षित उत्पादन कम होने के कारण सितंबर को समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष के लिए कपास उत्पादन अनुमान शुक्रवार को 5 लाख गांठ घटाकर 343.13 लाख गांठ कर दिया। कपास फसल वर्ष अक्टूबर से लेकर सितंबर तक का होता है। CAI के अनुसार नवीनतम अनुमान पहले के अनुमान की तुलना में 5 लाख गांठ की कटौती दर्शाता है। पिछले सत्र में कुल कपास उत्पादन 353 लाख गांठ रहा था। तेलंगाना में सत्र के दौरान कपास उत्पादन में 2 लाख गांठ, गुजरात और कर्नाटक में प्रत्येक में 1-1 लाख गांठ और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 50,000 गांठ की कमी आने का अनुमान है। CAI ने अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के 4 महीनों में कपास की कुल आपूर्ति 272.20 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। इसमें 192.20 लाख गांठ की आवक होने, 5 लाख गांठ का आयात होने और सत्र की शुरुआत में 75 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक होना शामिल है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक अनुमानित कपास की खपत 114 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि 31 जनवरी 2022 तक निर्यात 25 लाख गांठ होने का अनुमान है। CAI द्वारा अनुमानित घरेलू खपत को 345 लाख गांठ के अपने पिछले अनुमान के मुकाबले घटाकर 340 लाख गांठ कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।